हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे 3D पर्सनावली के इस बेहतरीन पर्सन के बारे में। पर्सन है दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, इस पर्सन का आंसर देखते हैं। आप अगर कभी भी इस तरह की इमेज देखें तो दिए गए कोड जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है RJ4M0AB103, इस कोड को गूगल यूट्यूब में सर्च करके भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट, अगर आप हमसे कोचिंग करना चाहते हैं तो श्रीगंगानगर RJ क्लासेस घोड़ा चौक श्रीगंगानगर में कर सकते हैं। अगर सादुल शहर में करना चाहते हैं तो विक्ट्री क्लासेज में कर सकते हैं। वहीं हनुमानगढ़ जंक्शन में करना चाहते हैं तो RJ क्लासेज की जो ब्रांच वाल्मीकि चौक के हनुमानगढ़ जंक्शन में है, वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं इस पर्सन का आंसर कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट, इस पर्सन का सॉल्यूशन देखते हैं। पर्सन था दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो त्रिज्याएं दो अलग अलग बेलन हैं, तो पहले की त्रिज्या R1 और दूसरे की R2, और दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा में लिख सकते हो, दोनों का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो पहले की ऊंचाई H1, दूसरे की H2 और ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, अनुपात का मतलब बटा में लिख सकते हो। और उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? अब आपको बेलन के आयतन का सूत्र बताना चाहिए। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो देखिए, पहले है तो पाई तो सेम आएगा, पहले और दूसरे में पाई तो सेम आएगा, लेकिन त्रिज्या को पहले का R1 मान लिया, दूसरे को R2 मान लिया, पहले की ऊंचाई को H1 मान लिया, दूसरे की ऊंचाई को H2 मान लिया, तो इसने आयतनों का अनुपात निकला है तो πr²h1 πr²h2। तो यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ, पाई और पाई को तो काट देता हूँ। यहाँ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए R1/R2 दोनों के ऊपर स्क्वेयर है तो इसकी होल स्क्वेयर लिख देता हूँ। ये लो जी, होल स्क्वेयर लिख दिया और गुणा में H1/H2 लिख देता हूँ, H1/H2। अब यहाँ से मान लेते हैं R1/R2 का मान 2:3 है और H1/H2 का मान 5:4 है। तो मान रख लेते हैं R1/R2 का मान 2:3 और 5:4। तो 2:3 की स्क्वेयर करें, 2 की स्क्वेयर 2 गुणा 2 कितना हो गया 4 हो गया, 3 की स्क्वेयर 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ मैंने इसका ये लिख दिया है 4/9 और 5/4। देखो, ये 2 की स्क्वेयर 4 और 9 और 5/4, 4 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, कितना बच गया 5/9 बच गया। तो जो अनुपात पूछा था तो अनुपात कितना आएगा, 5/9 है, तो इसका अनुपात कितना आएगा 5:9। इसका आंसर क्या होगा, 5:9, मतलब आंसर जो होगा 5:9 होगा। तो डियर स्टूडेंट, जो स्क्रीन पर दिखाया गया था ये पर्सन था 3D पर्सनावली का, जिसका पर्सनावली का नाम है आयतन और आयतन के बेलन टॉपिक का ये पर्सन था। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस तरह के बेहतरीन पर्सनों को देखना चाहते हैं, उनके सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो बेल आइकन दबा लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें और अदर्स को भी बताएं कि आप यहां से बेहतरीन प्रश्नों के आंसर और उनके सॉल्यूशन ट्रिक समेत और बड़े आसानी से समझ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।